अस्सलामुअलैकुम क्लास फोर, टॉप ऑफ योर बुक्स अमेजिंग साइंस, लेक्चर नंबर 9, यूनिट नंबर 10, बुक पेज नंबर 83। आज क्या हमने करना है, अपनी एग्जाम को सॉल्व करना है। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सबसे पहली रीडिंग हमने की थी तो सबसे पहली लाइन हमने पढ़ी थी, ऑल थिंग्स तमाम चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एटम्स, ATOMS, एटम्स। व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट दे प्रोड्यूस हीट। जब मॉलिक्यूल्स तेज मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तेज तेज, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और डैश टेल्स अस एग्जैक्टली हाउ हॉट समथिंग इज, और थर्मामीटर के थ्रू हम बताते हैं ना कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, थर्मामीटर। When the bulb of your thermometer is dipped in hot water, the level of the mercury rises. जब हॉट वाटर में हम थर्मामीटर को डिप करते हैं तो मर्करी का लेवल राइज बढ़ जाता है। When the bulb of thermometer is dipped in cold water, the level of mercury falls, गिर जाता है, उसका मर्करी का लेवल जो है नीचे हो जाता है। The freezing point of water is 0 degree, the boiling point of water is 212 degree Fahrenheit. अब देखिए स्केल बताए गए हैं, ठीक से सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है, जीरो, और फॉरेनहाइट में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 212। ध्यान देना है स्केल्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है। इफ यू हैव अ फीवर योर बॉडी टेम्परेचर विल बी हायर देन नॉर्मल, ठीक है। मैनी पीपल सिटिंग इन अ स्मॉल रूम प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, द ग्लास ट्यूब ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर कंटेन्स मर्करी, ठीक है। एक्टिविटी जो है हमारे पास स्क्रीन ब्लैंक्स, वो हमने अपनी बुक से सॉल्व कर लेनी है यहाँ से देखकर। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 1 to 5, कॉपी से सॉल्व करने हैं, अपनी कॉपी नोटबुक ओपन करें। डे एंड डेट मेंशन करनी है आज की, और ऊपर यूनिट नंबर 10 हीट। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हीट, ठीक है। हमने एक्सप्लेन करना है कि मॉलिक्यूल्स हीट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट दे प्रोड्यूस हीट, जब मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करते हैं तो क्या होता है, प्रोड्यूस क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट क्वेश्चन ने आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ थर्मामीटर, व्हाट इज अ थर्मामीटर। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ हॉट समथिंग इज। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर एक आला है जो यूज होता है किसी चीज़ का हॉटनेस मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ कितनी गर्म है, व्हाट इज टेम्परेचर स्केल, द मार्किंग ऑन थर्मामीटर आर कॉल्ड द टेम्परेचर स्केल। अब मैंने आपको बताया था ना, दिखाई भी थे कि जो हमने थर्मामीटर के ऊपर वो स्केल सा बना है, मार्किंग दी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर स्केल। व्हाट इज योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, माई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फारेनहाइट और या 37 डिग्री सेल्सियस स्केल, दोनों मैंने बता दिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमने फारेनहाइट में बता दिए और सेल्सियस स्केल में बता दिए। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस स्केल, ये तो बहुत आसान है, सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0, ये तो बहुत आसान है, सिर्फ फारेनहाइट को आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एक बार देख लें इसे और से अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है स्टूडेंट। आज के लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास जो 10 की बुक पेज नंबर 83 की ब्लैंक्स और बुक सॉल्व करनी है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 कॉपी पर सॉल्व करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।